इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का और जीटो का। इनमें आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, कहाँ आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपके यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। देखिए, जो मैंने आपको बॉटम बताया था एग्जैक्ट उसी बॉटम के बाद मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिली है। अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके बाइंग करी है तो आप सोलाना प्लस जीटो दोनों में प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपका बॉटम मिस हो गया है तो कौन से लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, क्या आपका लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवर व्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको $113 के रेंज में देखने को मिलता है। 3.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 108 से लेके 113 के रेंज में देखने को मिलता है। तो डाउनफॉल पे हमारी दोबारा एंट्री हुई थी $105 के नियर अबाउट। मार्केट कैप 49 बिलियन का है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 बिलियन के ऊपर है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको और भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट था वो था $120 के ऊपर ऊपर, तो अभी उस टारगेट को हमने टच नहीं करा। अभी भी आपके पास एंट्री का होप हो सकता है जो आप करंट प्राइस देख रहे हैं, पर इस करंट प्राइस पे आपकी स्मॉल एंट्री होगी। बाकी जब हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंट्री लेवल का। अब अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 440 मिलियन है, टोटल सप्लाई 569 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सोलाना के बारे में तो यहाँ पे देखिए, इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। और जो मैंने आपको टारगेट बताया था ना, हमने इस टारगेट के लिए अपनी बाइंग करनी है जो कि आपको $200 के ऊपर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप और भी कोई इन्फॉर्मेशन सोलाना से रिलेटेड जानना चाहते हो तो आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको पे जब भी विजिट करेंगे तो उसके अबाउट सेक्शन में आपको सारी डिटेल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये एक वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है, अपने ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है और इसका ब्लॉकचेन भी काफ़ी जगह यूज़ होता है। एप्लीकेशन की बात करें, आप चाहे NFT मार्केट प्लेस में यूज़ करें, तो हर जगह यूज़ केस इसका ज़्यादा होने की वजह से इसके प्राइस में अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हमारी बॉटम की बाइंग हुई थी $18 पे, $14 पे, तो उसके कंपेरिजन आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम यहाँ पे 10x के अराउंड अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। फर्दर हमने इसको होल्ड करना है 20x के टारगेट के लिए। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का करंट प्राइस आपको 2.4 के रेंज में देखने को मिलता है। 7% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.2 से लेके 2.4 के रेंज में देखने को मिलता है। अभी जो जीटो का प्राइस है वो अपने पीक रेंज की साइड में है। मार्केट कैप 282 मिलियन का है। अभी मार्केट कैप कम है, पर देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा और इसका प्राइस भी ग्रो होगा। टारगेट मैंने आपको बताया था $3.5-$4 का आप अपना टारगेट रख सकते हैं शॉर्ट टर्म का। अगर हम इसके 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 103 मिलियन देखने को मिलता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ी है जिस वजह से इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। अब देखिए, जैसे जैसे मार्केट में इसकी सप्लाई आएगी ना, इसके प्राइस में आपको थोड़ा सा जो ग्रोथ की साइड में रिकावट देखने को मिल सकती है, पर इसका यूज़ केस अच्छा है, फंडामेंटली प्रोजेक्ट ये स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो सेम चीज़ देखिए, इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ जाके आप इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब आपने यहाँ पे क्या देखना है कि ये न्यू प्रोजेक्ट है जो कि 2023 के दिसंबर में ही आया है, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक अच्छा हाइक दे सकता है बुल मार्केट में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं सोलाना और जीटो के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, अब हम आगे ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ हम सोल का पेयर देखना है यूएसडी के साथ। हमने इसका डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि आप इस पैटर्न को बुल फ्लैग भी कह सकते हैं, फॉलिंग एज भी कह सकते हैं, दोनों में ही हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा और मैंने आप लोग की बाइंग यहाँ पे कराई थी। अब इस बाइंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। इस लेवल पे जब हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तब भी मैंने आपको बोला यहाँ बाइंग करने को, और रिसेंटली मैंने अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि हम यहाँ पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहे हैं जिसके थ्रू आपको जो एंट्री है अगेन मिलेगी $106 से लेके और $105 के रेंज में। तो हमें ये एंट्री मिली, उसके बाद आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। अब जो हमारा फर्दर टारगेट है ना वो है $120 का। अगर आपने मेरी वीडियो को देख के बाइंग करी है तो आप प्रॉफिट में चल रहे होंगे, और अगर आपने अभी तक बाय नहीं करा तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर आप करंट प्राइस पे भी सोल को बाय कर सकते हैं।
टारगेट होगा आपका शॉर्ट टर्म का $120 का, 125 का, 130 का, और मिड टर्म में आपका जो टारगेट होगा $200-$250 का रहेगा, जो कि सेफ साइड होगा। और जैसे जैसे आप इसको बुल मार्केट के लिए होल्ड करेंगे $1,000 के ऊपर आपको जो सोलाना का टारगेट है वो देखने को मिल सकते हैं। एंट्री आपकी अभी करंट प्राइस पे हो जाएगी और दूसरी एंट्री आपकी $100 के नीचे होगी। अगर आपने पहले बाय करा है तो दोबारा एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल भी सोलाना नहीं है तो आप करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको बता दिया $100 के नीचे बाइंग होगी। टारगेट भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, लॉन्ग टर्म में आपने होल्ड करना है ताकि बुल मार्केट में हमें इसका यूज़ करके और NFT बाय करके और उससे भी प्रॉफिट बुक कर सकें। अगर आप नॉर्मली सोलाना को स्टेक पे भी लगाएंगे तो जितने प्रोजेक्ट इसके ऊपर आते हैं वो आपको एज ए रिवॉर्ड मिल जाएंगे। जैसे जीटो आया था, बॉन्क आया था, तो ये सारे प्रोजेक्ट आपको एज ए रिवॉर्ड मिल सकते थे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें जीटो की, जीटो में आपको कैसे मूवमेंट देखने को मिलता है, तो जीटो में मैंने आपको बताया था कि इसके लिस्टिंग के बाद से आपको कोई खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा, और यहाँ पे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका कि ब्रेकआउट हो गया है। तो ब्रेकआउट के बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 2.5 का, और उसके बाद से आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा $3 का। ऐसे ही करते करते आपको $4 से $5 तक का टारगेट मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में ये जो टारगेट है वो आपको $10 के ऊपर तक देखने को मिल सकता है। पहले क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स पंप करेंगे क्योंकि उनका यूज़ केस होता है, और जैसे ही हम एक पीक रेंज में चले जाएंगे तो स्टेकिंग वाले कॉइन्स में हाइक देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में जीटो का फंक्शन क्या है कि आप इसके प्लेटफॉर्म पर जाके अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टेक कर सकते हैं जिसके बदले में आपको APY मिलेगा, तो उसी चीज़ के लिए लोग स्टेक करेंगे जब हम बुल मार्केट में चले जाएंगे, और उस टाइम इसका यूज़ केस बढ़ेगा और उसी टाइम इसके प्राइस में आपको अच्छा हाइक भी देखने को मिल सकता है। अगर आपने मेरे बताए पे बाइंग करी हुई है 1.5 1.8 पे तो आप इसको होल्ड करें फॉर द टारगेट के लिए, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी एंट्री होगी 2.2 के नीचे अगर मिलता है पहली एंट्री, और 1.8 के नीचे दूसरी एंट्री, आपने पार्ट्स में अपनी एंट्री लेनी है। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।